भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पिता ने अपने बेटे को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बेटे की मनोदशा का जिक्र करते हुए कहा कि वो फिलहाल किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, ना ही घर के बाहर जा रहा है और ना ही किसी का फोन उठा रहा है। मुझे लगता है उसे कुछ समय के लिए फिलहाल अकेला छोड़ देना चाहिए। बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल एक टीवी शो पर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही बीसीसीआई की तरफ से बैन झेल रहे हैं। उन्हें दिए गए बयान के बाद ही हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर से ही वापस बुला लिया गया था। हार्दिक के पिता ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि हार्दिक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच घर पर ही देखा। उन्होंने कहा कि ये त्योहार का समय है, इस दिन गुजरात में छुट्टी होती है, लेकिन हार्दिक ने पतंग तक नहीं उड़ाई। उसे पतंग उड़ाना काफी पसंद है, लेकिन क्रिकेट में व्यस्त कार्यक्रम के बीच उसे कभी ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इस बार वो लंबे समय बाद मकर संक्रांति पर घर पर था, इसके बावजूद भी उसने पतंग नहीं उड़ाई। उन्होंने बताया कि हार्दिक टीवी शो को लेकर हुए विवाद के बाद से ही काफी दुखी है। उसने वादा किया है कि वो इस तरह की गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि हम में से कोई भी हार्दिक से इस विवाद को लेकर कोई बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि हार्दिक के बड़े भाई ने भी उससे अभी तक कोई बात नहीं की है। दादी के हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने टीवी शो पर दिए गए बयान के बाद मचे बवाल पर दुख जताया था और माफी भी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचपीसी न्यूज़।